हेलो, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। इस लेक्चर में हम थियोरीज ऑफ एक्सचेंज रेट देखेंगे। तो सबसे पहले थियोरी जो है वो ट्रेडिशनल थियोरी का एक पार्ट है, जिसको ट्रेड और इलास्टिसिटीज अप्रोच कहते हैं। ये थियोरी फ्लो ऑफ गुड्स के बेसिस पे एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम को समझाने की कोशिश करती है। सपोज एक कंट्री है जो इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स ट्रेड करता है। इन केस उस कंट्री के इंपोर्ट्स उस कंट्री के एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, यानी उस कंट्री में ट्रेड डेफिसिट है। इस केस में जिन कंट्रीज से वो कंट्री इंपोर्ट करता है, यानी जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं, उनकी करेंसी की वैल्यू एक्सीड करती है, क्योंकि उनकी करेंसी की डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और इस केस में जहाँ पे किसी भी कंट्री के इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट करती है इन रिलेशन टू करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज और फॉरेन कंट्रीज। सो इस वजह से उस कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो चीपर हो जाते हैं फॉरेनर्स के लिए, और जो इंपोर्ट्स होते हैं वो डोमेस्टिक यूजर्स के लिए या डोमेस्टिक रेजिडेंट्स के लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब जब एक्सपोर्ट्स चीपर हो गए हैं तो उस कंट्री के गुड्स की डिमांड फॉरेन मार्केट्स में इंक्रीज़ करेगी, जिस वजह से उस कंट्री की करेंसी की डिमांड भी इंक्रीज़ करेगी, और इस वजह से उस कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट होने लगती है, और ऐसे एक्सचेंज रेट में एक बैलेंस आता है और करेंसी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेटल हो जाती है। इस थ्योरी को इलास्टिसिटीज अप्रोच इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो स्पीड होती है या रिस्पॉन्सिवनेस होती है जिससे एक्सचेंज रेट ट्रेड फ्लो की वजह से अफेक्ट होता है, वो स्पीड या रिस्पॉन्सिवनेस डिटरमाइन करती है कि कितनी जल्दी एक्सचेंज रेट एक इक्विलिब्रियम लेवल पर आके सेटल होगा। ये थ्योरी अपने आप में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देती है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है लॉन्ग रन में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के लिए। सेकंड थ्योरी है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ये थ्योरी डिफरेंट कंट्रीज में जो रिलेटिव परचेजिंग पावर होती है उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले लॉ ऑफ वन प्राइस देखते हैं। लॉ ऑफ वन प्राइस कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट लाइक शिपिंग कॉस्ट एंड टैरिफ्स, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और द प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज इज सेम और इक्वल। इसका मतलब है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है, जैसे शिपिंग कॉस्ट हैं, टैरिफ्स हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, उस केस में हर एक कंट्री में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की वैल्यू या फिर एक पर्टिकुलर बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ जिसमें हर कंट्री में जो कमोडिटीज़ इंक्लूड होंगी वो सेम होंगी, उस बास्केट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी जब उसको एक किसी कॉमन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे अगर हम अज्यूम करें कि वर्ल्ड वाइड ट्रेड में कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एक्सचेंज होता है, कमोडिटी की जितनी वैल्यू होगी सिर्फ उसी का एक्सचेंज होगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, कस्टम ड्यूटीज़ नहीं है, एक्साइज ड्यूटीज़ नहीं है, उस केस में अगर अलग अलग कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस को हम रुपी में कन्वर्ट करके देखें तो वो जो कमोडिटी के सारे प्राइसेस होंगे अलग अलग कंट्रीज़ के, वो उस कमोडिटी के इंडियन प्राइस के बराबर होंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के दो फॉर्म होते हैं, एक होती है एब्सोल्यूट फॉर्म। तो पहले हम एब्सोल्यूट फॉर्म को देखते हैं। एब्सोल्यूट फॉर्म लॉ ऑफ वन प्राइस पे बेस्ड है। सो लॉ ऑफ वन प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम दो कंट्रीज में एक सेम बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं, बास्केट ऑफ गुड्स कहने का मतलब है एक असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स, यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जिसमें दोनों कंट्रीज में क्या होंगे, सेम गुड्स लिए जाएंगे। जो पर्टिकुलर गुड्स उस असॉर्टमेंट में कंट्री ए से लिए जाते हैं, सेम गुड्स या सिमिलर गुड्स लिए जाएंगे कंट्री बी से। तो उस केस में हम देखते हैं कि लॉ ऑफ वन प्राइस क्या कहता है। सपोज दैट द प्राइस ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स इन कंट्री ए इज पी ए एंड द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स इन कंट्री बी इज पी बी एंड एस ए बी इज द स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसीज ऑफ कंट्री ए एंड कंट्री बी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी ऑफ ए पर यूनिट करेंसी ऑफ बी, जहाँ पे पी ए बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ का प्राइस कंट्री ए में है एंड पी बी
सिमिलर बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ का प्राइस कंट्री बी में है एंड एस ए बी स्पॉट एक्सचेंज रेट है कंट्री ए और कंट्री बी की करेंसीज़ का, जो कि करेंसी ऑफ कंट्री ए पर यूनिट करेंसी ऑफ कंट्री बी के फॉर्म में है। उस केस में ये इक्वेशन प्रिवेल करेगी जहाँ पे कंट्री ए में जो कमोडिटी बास्केट का प्राइस होगा वो बराबर होगा कंट्री बी में कमोडिटी बास्केट का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्पॉट एक्सचेंज रेट। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके फॉलोइंग फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं कि स्पॉट एक्सचेंज रेट इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बास्केट इन कंट्री ए अपॉन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बास्केट इन कंट्री बी। यहाँ से जो रिलेशन आया वो कहता है कि स्पॉट एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ कमोडिटी इन टू कंट्रीज। इसी रिलेशनशिप को बेसिस बनाते हुए एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी कहती है कि जो दो कंट्रीज की करेंसीज का स्पॉट एक्सचेंज रेट होगा वो उन दोनों कंट्रीज में जो जनरल प्राइस लेवल्स प्रिवेल करेंगे उनके रेशियो के बराबर होगा। सो अगर कंट्री ए में जनरल प्राइस लेवल पी ए है एंड कंट्री बी में जनरल प्राइस लेवल पी बी है एंड एस ए बी स्पॉट एक्सचेंज रेट है कंट्री ए और कंट्री बी की करेंसी के बीच में, जो कि कंट्री ए की करेंसी पर यूनिट ऑफ कंट्री बी की करेंसी के फॉर्म में है, उस केस में जो स्पॉट एक्सचेंज रेट एस ए बी होगा वो पी ए अपॉन पी बी होगा। सो एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरी स्टेट्स दैट द स्पॉट एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्री इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ जनरल प्राइस लेवल्स प्रिवेलिंग इन दोज टू कंट्रीज। एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरी में बहुत से इनहेरेंट डिफेक्ट्स हैं, जैसे नंबर वन, ये एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैरिफ्स एंड अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन चीज़ों को ये कंसिडर नहीं करती है। सो रियलिटी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, टैरिफ्स एग्जिस्ट करते हैं, कोटाज एग्जिस्ट करते हैं, अदर फ्रिक्शंस और अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट करती हैं। उस केस में फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाता, जिस वजह से परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी होल्ड नहीं करती है। सेकेंड रीज़न है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जनरल प्राइस लेवल्स डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट कमोडिटीज़ की बास्केट यूज़ की जाती है, या फिर डिफरेंट कमोडिटीज़ का असॉटमेंट यूज़ किया जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं, तो किसी कंट्री में किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, दूसरे कंट्री में उस कमोडिटी का कंजम्पशन कम होता है। तो इस केस में जो वेटेजेस होते हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ के वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होते हैं, जिस वजह से उनकी जो इंडेक्सेस होती हैं या फिर जनरल प्राइस लेवल्स होते हैं वो कंपेरेबल नहीं हो पाते। थर्ड रीज़न हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सिर्फ ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर करता है, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, नॉन ट्रेडेड गुड्स एंड नॉन ट्रेडेड सर्विसेज की बात हम नहीं करते हैं। अब नॉन ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं? ऐसे गुड्स जिनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि इंटरनेशनली ट्रेड नहीं किया जा सकता, जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब चीज़ें। और नॉन ट्रेडेड सर्विसेज होती हैं जैसे स्पेशलाइज सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स, यानी जो कंट्री से बाहर सर्विसेज रेंडर नहीं की जा सकती। पर जो जनरल प्राइस लेवल्स होते हैं या फिर प्राइस इंडेक्स होती है वो नॉन ट्रेडेड गुड्स को भी कंसिडर करती है और नॉन ट्रेडेड सर्विसेज को भी कंसिडर करती है।